नमस्कार, वार स्टेनो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी मानक आशुलिपि में द्विध्वनिक स्वरों के बारे में चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा कि कभी कभार शब्दों में एक साथ दो स्वरों का प्रयोग हो जाता है या एक मात्रा एक स्वर का प्रयोग एक ही साथ हो जाता है, तब हम द्विध्वनिक स्वरों का प्रयोग करते हैं। द्विध्वनिक स्वर तीन प्रकार के होते हैं, पहला आई, दूसरा आए 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 इस प्रकार, और तीसरा होता है औ। तो ये तीन प्रकार के स्वर होते हैं। जैसे कि पहला है आई, आई का प्रयोग होता है फर्स्ट प्लेस पर, मतलब पहले स्थान पर आई का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी ऊपर से नीचे जाने वाली आकृति है तो उसमें पहला प्लेस कौन सा होता है, ये वाला, जहाँ से ये शुरुआत होती है इसकी, वहाँ पर। दूसरा है आए, इसका भी फर्स्ट प्लेस पर प्रयोग होता है, और लेकिन जो आउ है इसका प्रयोग फर्स्ट प्लेस के स्थान पर थर्ड प्लेस पर होता है, यानी कि इस प्रकार तीसरे स्थान पर। ये बात आपको याद रखनी है, आई का और आय का प्रयोग होता है फर्स्ट प्लेस पर, लेकिन आउ का प्रयोग होता है थर्ड प्लेस पर। तो हम आरंभ करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे कि पहला शब्द है लड़ाई, ये ल येड़ा। अब देखिए हमारे पास आई का चिन्ह किस प्रकार है, इस प्रकार नीचे की तरफ तीर जा रहा है, देखिए नीचे की तरफ। तो इसका र का जो फर्स्ट प्लेस है वो यहाँ पर, यहाँ, तो ये मतलब हो गया इसका लड़ाई। जैसे कि हमें लिखना हो विदाई, ये वी, ये द, यहाँ पर मात्रा इसकी, और आई, देखिए आई के लिए क्या है, ये चिन्ह है, ये हो गया विदाई। जैसे कि हो हवाई, पहले हमने लिखा ह, फिर ये लिखा व। अब देखिए आई, पीछे स्वर क्या आ रहा है, आई, व के साथ आ ई जुड़ा हुआ है, तब बन गया ये हवाई। तो आई के लिए हमारे को पता है कि इस प्रकार का चिन्ह इसमें नीचे की ओर प्रयोग में आएगा, तो ये बन गया हवाई। अब अगर हमें लिखना हो गहराई, तो हम जानते हैं कि गहरे का सब चिन्ह हमारे पास है, कहाँ पर है, लाइन के नीचे, इस तरह से। अब हमें लिखना है गहराई, तो फर्स्ट प्लेस है यहाँ पर, और ये हमने द्विध्वनिक स्वर लगा दिया आई का, तो ये इसका मतलब हो गया गहराई। अब हमें लिखना है बनाई, बनाई किस प्रकार लिखेंगे, पहले हम लिख देते हैं बन। अब इसमें क्या है, आई नाम का द्विध्वनिक स्वर लगेगा, आई का द्विध्वनिक स्वर क्या है, इस प्रकार है, तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे, न के फर्स्ट प्लेस पर, न के फर्स्ट प्लेस पर आई का द्विध्वनिक स्वर लगा है। अब अगर हमें लिखना हो बुलाएं, ये हमने लिखा बुला। अब ल का जो थर्ड प्लेस है, पहले उसके ऊपर ऊ की मात्रा, इस प्रकार। अब आई का द्विध्वनिक स्वर ल के फर्स्ट प्लेस पर, यहाँ पर, ये हो गया बुलाएं। अब अगर हमें लिखना हो किराए, ये की, ये रा, क के ऊपर ई की मात्रा, ये थर्ड प्लेस पर। अब आई का स्वर लगाना है, आई का द्विध्वनिक स्वर, ये आई का द्विध्वनिक स्वर, इस प्रकार। अब अगर हमें लिखना हो समुदाय, पहले हम लिखेंगे समुदाय, स का हमारे पास छोटा व्रत है, म पूरा आएगा, समु द, म के ऊपर उ की मात्रा, ये लगाई यहाँ पर,
और आई का द्विध्वनिक स्वर, ये हमारे पास द्विध्वनिक स्वर है, वो अगर इस प्रकार हम द्विध्वनिक स्वर लगाते हैं, ये बन गया समुदाय। अब हमें लिखना है फायदा, ये शब्द बनेगा हवा में, ये लिखा फा ये, एक मिनट, ये इस प्रकार नहीं बनेगा। इसमें देखिए आप, अब इसमें ना द्विध्वनिक अलग तरीके से लिखा जाएगा, इस प्रकार से देखिए, हमने लिखा फा, फिर लिखा हमने दा, दा के लिए यहाँ लगा दिया। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा, द्विध्वनिक स्वर बीच में लगेगा, जैसे कि यहाँ देखिए फ के साथ आई जुड़ा हुआ है, फ के साथ जुड़ा हुआ है आई, तो द्विध्वनिक स्वर क्या होगा, यहाँ बीच में लगेगा। इस प्रकार देखिए, यहाँ पर फ के ऊपर द्विध्वनिक स्वर लगेगा, तो इसका मतलब हो गया फायदा, फायदा। इसमें एक बात समझ लायक है कि द्विध्वनिक स्वर बीच में भी लग सकता है, हमें केवल उसका प्रयोग करना सही से आना चाहिए, ये ध्यान देने योग्य बात है। इसमें ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखना। अब है दिखाऊ, ये हमने लिखा दी, ये खा, अब हम जानते हैं कि ऊ आया है, यानी कि आऊ द्विध्वनिक स्वर है, लेकिन इसमें थर्ड प्लेस पर द्विध्वनिक स्वर लगेगा, तो यहाँ पर लगेगा इस तरह, ये बन गया दिखाऊ। अब है चलाऊ, छ ये ल, और यहाँ पर द्विध्वनिक स्वर थर्ड प्लेस पर लगेगा, चलाऊ। अब हमें लिखना है चलाई, इस तरीके से चलाई के लिए द्विध्वनिक स्वर लगेगा फर्स्ट प्लेस पर आई का, इस तरीके से। हमें लिखना है अभी हटाई, ये हमने लिखा हट, और इसके साथ जुड़ा हुआ है आई का द्विध्वनिक स्वर, आई का द्विध्वनिक स्वर हम जानते हैं, इस प्रकार लिखना है हटाई। अब अगर हमें लिखना है बुलाए, ये बू ये ला, ये ऊ की मात्रा और आए, आए का द्विध्वनिक स्वर है, इस प्रकार। अब अगर हमें लिखना हो जाए, जाए का द्विध्वनिक स्वर हमारे पास इस प्रकार। अगर हमें लिखना है लाऊ, इस तरीके से, तो लाऊ, लाऊ का द्विध्वनिक स्वर लगता है थर्ड प्लेस पर, यहाँ पर। अब है दिखाऊं, ये दी ये खा, इसका थर्ड प्लेस पर लगेगा द्विध्वनिक स्वर। अब है धाराएं, ये धा ये रा, और आए का द्विध्वनिक स्वर है ये। यहाँ पर देखिए, द के बीच के जो कट आता था वो मैंने आरंभ में ही लिख लिया है, इससे क्या होता है कि वक्त की बचत होती है और पेंसिल दो बार उठानी नहीं पड़ती। आप भी इसका प्रयोग करते रहना। महिलाएं, ये म ये ही ये ला, और ये द्विध्वनिक आय का, ये थे द्विध्वनिक स्वर, आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा एक और टॉपिक है त्रिध्वनिक स्वर, वो भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जिस प्रकार आपने देखा कि द्विध्वनिक में केवल दो बार ही पॉइंट किया हुआ था, लेकिन त्रिध्वनिक में क्या है, पॉइंट तीन बार किया हुआ है, इस प्रकार यही बात आपको याद रखनी है। और त्रिध्वनिक में तीन स्वर है, आई ये, इन तीन स्वरों का एक साथ प्रयोग हो तब हम त्रिध्वनिक का प्रयोग करते हैं। त्रिध्वनिक में ज़्यादातर केवल आई ये का प्रयोग होता है हमें, और इसी का प्रयोग करना सीखना है। देखिए, अब इसमें लिखा हुआ चलाइए,
अब हमने लिखा ये च ये ला। अब देखने लायक बात ये है कि इसमें आई का प्रयोग हुआ है और फर्स्ट प्लेस पर हमें त्रिध्वनिक स्वर लगाना है इस प्रकार। तो ये बन गया चलाइए। अब जैसे कि लिखा हुआ है बुलाइए, ये इस प्रकार हमने लिख दिया और ये हो गया बुलाइए। अब लिखना है हमें पढ़ाइए, ये प हेढ़ा और ये लगा दिया हमने त्रिध्वनिक, तो इसका मतलब हो गया पढ़ाइए। अब हमें लिखना है लिखाइए, ये ली खा और यह लगा दिया हमने त्रिध्वनिक, तो बन गया लिखाइए। ये ह ये ट और ये लगा दिया हमने त्रिध्वनिक, ये बन गया हटाइए, बन गया है। अब लिखना है बताइए, ये ब ये था, ये हो गया त्रिध्वनिक, तो ये बन गया बताइए। इस प्रकार हम द्विध्वनिक और त्रिध्वनिक के प्रयोग से शब्द बना सकते हैं। अब आपको इन सभी की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अब कभी भी आपको दो या दो तीन स्वरों के एक साथ आने से बनने वाले शब्दों को लिखने में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। इसके अलावा इससे पहले वाले सभी शब्दचिन्हों नियमों का आप अच्छे से अध्ययन करें और उनसे कई वाक्यांश बनाएं और वाक्यों को रिकॉर्ड करके उन्हें लिखने का प्रयास करें, जिससे आपके हाथों की गति में वृद्धि हो। इसके साथ ही जितने भी शब्दचिन्ह आए हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना और सभी वाक्यों में उनका प्रयोग होना अनिवार्य है, जिससे आपको वाक्य छोटा करने में, उनकी छोटी आकृति बनाने में आसानी होगी। और इनसे जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर या टेलीग्राम ग्रुप पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।